नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बाद से पिछले कई महीनों से सिनेमा घर बंद है। इस दौरान कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली थी, जिन्हें माना जा रहा था कि ये कई 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, मगर लॉकडाउन के बाद इनकी रिलीज ही टाल दी गई है। हालांकि अब कुछ फिल्में ऑनलाइन रिलीज की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि सिनेमा घरों के दोबारा खुलने का इंतजार किया जा रहा है। अब इस बारे में मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर ने कहा है कि अगर यही हाल रहा तो बॉलीवुड में स्टार सिस्टम खत्म हो जाएगा। मार्च के महीने में भारत के सारे सिनेमाघर बंद कर दिए गए थे। अभी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में मुश्किल है कि अगले कुछ महीने तक सिनेमाघर खुल सकेंगे। शेखर कपूर ने ट्वीट कर कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बॉलीवुड में स्टार सिस्टम और बॉलीवुड का 100 करोड़ का क्लब खत्म हो जाएगा। शेखर ने अपने ट्वीट में लिखा, थिएटर कम से कम अगले साल तक नहीं खुलने जा रहे हैं, इसलिए पहले हफ्ते के 100 करोड़ से ज्यादा के बिजनेस का सारा प्रचार खत्म हो जाएगा। इसी तरह स्टार सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। अब स्टार्स को या तो अभी की OTT प्लेटफॉर्म्स का रुख करना होगा या फिर उन्हें अपनी फिल्म में खुद के ऐप्स पर स्ट्रीम करनी होगी। ये तकनीक काफी सफल है। बता दें कि इससे पहले कई अन्य एक्टर्स और फिल्म मेकर्स भी इस बारे में बोल चुके हैं कि हाल की परिस्थिति में केवल OTT प्लेटफॉर्म ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। एक इंटरव्यू में निवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि जब तक कोरोना वायरस की परिस्थिति हमारे सामने है, तब तक एक्टर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी फिल्में कहाँ रिलीज हो रही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।